उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे राह जनू से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ऑनरेबल MLA दिलीप सिंह परियार जी, विजय मोहन जी डिस्ट्रिक्ट प्रभारी, पवन शर्मा जी सरपंच, एनी हाउ ओके सरपंच रमेश जी, बाला से आए हुए हमारे गुप्ता साहब, मेरा स्कूल का स्टाफ जो एतवार को भी यहाँ आया, नॉट वर्किंग, एनी हाउ ओके ओके एंड अबो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे बच्चे जो एतवार को रूटीन के हिसाब से एक बार फिर आज यहाँ आए, मैं सबसे पहले अपने बच्चों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये वही बच्चे हैं जिन्होंने कल इस देश को चलाना है। हमने इन बच्चों को फोर्स किया था कि आओ यहाँ, ये सितारे जो यहाँ आए हुए हैं आज, सच अ गैलेक्सी ऑफ पॉलिटिशियंस इन आवर एरिया, वी आर ब्लेस्ड विद दैट। तो मैं चाहता था कि मेरे बच्चे ये देख लें कि हमने भी कल को जो है इस देश को आगे चलाना है, तो इस चीज की जरूरत पड़ती है। जहां हम डेली टीचिंग्स करते हैं स्कूल में क्लास वर्क के साथ साथ, वहां एक हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट होता है उसके लिए आउटिंग बड़ी जरूरी होती है। बच्चों को खुद दिखाना है। कल मैं बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा रहा था, आज ये देखिए, ये वो लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काम करते हैं, काम लागू करवाते हैं और हुकूमतें चलाते हैं। तो बच्चों और साथ में आए हुए आपके पेरेंट्स, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हम, कि ये वो सितारे हैं जिनसे देखकर आप सीखो। सर, आप अभी यहाँ हमारे पेशरू साथियों ने बोला कि परिहार जी जो है ये XMLA है, मैं नहीं मानता हूँ इस चीज को, क्योंकि उसके बाद जब MLA कोई बने ही नहीं, तो ये हमारे लिए MLA है। तो आई डोंट थिंक देयर इज एक्स इन इट, सो मे बी आई एम रॉन्ग समवेयर, बट व्हाट इज इट, इट इज। सो डियर सर, आज हम यहाँ अपने कुछ वो टुकड़े लेके आए हुए हैं आपके पास, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ है हम, क्योंकि एतवार है आज, अदरवाइज वी आर बाउंड टू हैव आवर प्रेजेंस इन सच एग्रेशन। हमें नेचुरली, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, आज संडे है और मैं अपने बच्चों को हिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ाने आया हूँ। ये हिस्ट्री है जो क्रिएट हुई है, बोलने में भी आता है, लिखने में आता है, हिस्ट्री में लिखा हुआ है जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं। जो चीज़ें बदली गई वो आप किताबों में पढ़ोगे बच्चों का, क्यों, इट इज बेटर टू बी प्रैक्टिकल देन ओरल। बोलने में बहुत कुछ आता है, करने में किताबों में जो है हम बच्चों को पढ़ाते हैं, दैट इज अ चेंज दैट हैज बीन सीन देयर, तब्दीली आई है। सो आप, मैं यहाँ सभी लोग जो आए हुए हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ मैं एकेडमिक्स की डिमांड कर रहा हूं, बाकी मेरी कोई डिमांड नहीं हो सकती, ना मैं करूंगा, क्योंकि मेरी अभी 15 साल सर्विस है, उसके बाद फिर देखेंगे कहां की तरफ कौन जाएगा। लेकिन तो MLA साहब, आपके एक और तरीके से भी हम मशहूर है कि आपने हमें ऐसे सरपंच साहब यहां दिए, ये हर वक्त हमारे स्कूल की तरफ इनकी नजर होती है, एंड आई एम थैंकफुल फॉर दैट ऑल्सो। हमें आपका भी इसमें शुक्रिया अदा करते हैं और सरपंच साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए, UPS द्रफड़ा ऐसा स्कूल है जिसके साथ अभी UPS ही लगा है। आप ये देखिए कि अभी प्राइमरी ही लगा है, जबकि ये स्कूल हाई स्कूल डिजर्व करता है। बहाला से आप जाइए, मैं एक सोर्स पर्सन रहा हूँ पूरे इलाके के, मेरे पास 40 स्कूल थे, हर स्कूल का एनरोलमेंट देखिए और हमारे स्कूल का एनरोलमेंट देखिए, 110 बच्चे और 110 बच्चे जनाबे वाला 3 कमरों में रह रहे हैं। ये कितने अफसोस की बात है, कहते हैं कि हम कहें तो किससे कहें। अब अगर हमारे 110 बच्चे 3 कमरों में रह रहे हैं,
तो बताइए आप ये कैसे मुमकिन है। अच्छा, जब बिल्डिंग आती है तो जमीन का मुद्दा उठता है, स्कूल जो है साथ में जंगल का एरिया है, कोई भी जमीन ना दे तो गवर्नमेंट के पास पावर है, गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है, तो क्यों नहीं दरफला के लिए जो है जमीन एक्वायर की जाए, उनके अकाउंट में जो है पैसा चले जाए। मलकियत रकबा है तो भी हमारा है, फॉरेस्ट का रकबा है तो भी सर आपके काइंड कंट्रोल में सब कुछ है, तो क्यों ना वहां बिल्डिंग बने, क्यों ना दरफला में भी ICT लैब हो, क्यों ना दरफला में भी कंप्यूटर आए। सर ऐसे स्कूलों में कंप्यूटर दिए गए हैं जहां से टीचरों ने कंप्यूटर उठाए अपने घर में रखे। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बोलना नहीं चाहता हूं, बट आई हैव एम्पल नॉलेज अबाउट इट। तो मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्कूल्स हैव बीन डाइवर्टेड टू देयर रेजिडेंशियल एरिया। तो ये कितना हैरान कुन होता हूं मैं, यहां बच्चे हमारे सर ये इतना फ्लुएंट बोलते हैं, इनकी स्पीकिंग इतनी अच्छी है, अगर आप इनको दिल्ली का माहौल दोगे यहां से IAS अफसर निकलेंगे, ये मेरा 21 साल का तजुर्बा है। लेकिन किसको कहेंगे ये बेचारे गरीबों के बच्चे, इनको पूछने वाला कोई नहीं है। तो सर एक रिक्वेस्ट ये थी, सरपंच साहब आपके सामने सब कुछ बोल चुके हैं ऑलरेडी, 3 कमरों में सर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। इसके बाद 8 सेंक्शन पोस्ट हैं हमारे स्कूल में, 8 सेंक्शन पोस्ट हैं, 4 लोग काम कर रहे हैं। हेडमास्टर आज से 4 साल उठाया गया, 4 साल पहले, उसके बाद कोई हेडमास्टर नहीं है। ये तो हमें बहुत ही शरीफुल लफ्स, हमें यहाँ इंचार्ज जो रखे हैं राजेंद्र सर, ये घर का काम छोड़ के स्कूल का काम चलाते। और दूसरी बात मैं कहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट लोढ़ा में सबसे बेस्ट 4 लोग जो हैं वो UPS दरफड़ा में है काम करने वाले। तो सर आपके काइंड कंट्रोल में है, अगर 110 बच्चे हैं तो 10 टीचर चाहिए स्कूल में। इसके बाद क्या वजह है कि अगर रोड के स्कूल में आज स्मार्ट क्लासरूम होती है, स्मार्ट टेबल होता है, स्मार्ट बोर्ड होता है, टीचर उंगली ऐसे चलाता है तो वहाँ लिखा जाता है, क्यों ना हमारे बच्चे भी वो लिखें, दरफड़ा वाले बच्चे भी क्यों ना स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल करें। बहरहाल उसमें कितना लगेगा सर, 4 से 6 हज़ार का बोर्ड है, हम चाहेंगे कि वो भी इस हफ्ते वहाँ लग जाए। इससे आगे रास्ते का है वो हमें पता है, हमारे सरपंच साहब वो कंप्लीट करेंगे। इसके आगे सर गवर्नमेंट का, आई एम वेरी सॉरी अगर मैं आपका टाइम ले रहा हूँ तो प्लीज़। अच्छा सर, गवर्नमेंट का स्टैंडिंग ऑर्डर है 15 बच्चों पे किंडरगार्टन स्कूल दे दिए जा रहे हैं, 15 बच्चों पे अगर प्री प्राइमरी में है। हमारे यहाँ सर 16 बच्चे हैं, और कल ही मेरे साथी बोल रहे थे कि 20 हो सकते हैं, 4 बच्चे और आ रहे हैं। अगर हमारे पास 15 से ऊपर बच्चे हैं तो किंडरगार्टन स्कूल हमें मिलना चाहिए, उसके लिए सर रूम अलहदा बनता है, उस रूम की डिज़ाइन में अंदर जो है बच्चों के लिए वही वो एनिमल्स प्लांट्स वो ऑलरेडी वो पेंटेड होता है। सर इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर से हमने आपको बता दिया, फुटपाथ का एक मसला है, हमारे बच्चे जब बारिश होती है ना तो ये चप्पल जूता उतार के उधर से चलते हैं, वो एक नाली है ऊपर से, उसमें पूरे जंगल का पानी आता है, और इनकी वर्दी आप सर आप देखिए, UPS रफड़ा का बच्चा है, इसको टाई भी लगी है, इसकी वर्दी देख लीजिए आप, ये वही बच्चा है जो DPS जम्मू में भी हो सकता है। आप देखेंगे एक दो बच्चों को मैं बुलाऊंगा इधर, आप खुद अंदाजा लगाएंगे कि ये बच्चे क्या कर सकते हैं। तो सर इससे ऊपर ये मेरी जो पोस्टिंग है वो 2 स्कूलों में चल रही है आजकल, मुझे पहले चिल्ली जाना है और उसके बाद मुझे दरफड़ा पहुँचना है, आपसे ये भी रिक्वेस्ट होगी कि या इधर रख दो या उधर रख दो। अच्छा थैंक यू वेरी मच, कुछ इशारे मैंने लिखे हैं जो मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगा, ये MLA साहब के लिए है, मैं इतना गाफिल नहीं कि अपने चाहने वालों को भूल जाऊँ,